सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल की पेड़ की परिक्रमा करो या तुलसी की परिक्रमा करो या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमती अमावस्या, शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमती कहलाती है। हमारा जितने भी ग्रह सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं, और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म है वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की तीन गतियां, पितर, आहुत, वासु, कितने? तीन। गर्भ में जो चले गया आहुत है, कुमारी अवस्था में गया जिसकी शादी नहीं, पितर, अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में। जो एक्सीडेंट आदि फांसी सुसाइड, बस तीन। शास्त्र कहता है सोमती अमावस्या के दिन ये तीनों आहुत, पितर, वासुक, जहाँ पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है या तुलसी की परिक्रमा करती है या पूजन करती है या दान करती है सोमती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है, तीनों तर जाते हैं, फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आज मेरे चैनल इंडियन एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।